हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्लोन। मेरा नाम है मन। गाइस, आपको याद होगा कि सैमसंग आपके लिए कुछ टाइम पहले ना एक बल्कि सा स्मार्टफोन लेकर आया था जिसका नाम था सैमसंग M51 और उसके अंदर आपको एक जायंट 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती थी। उसी के अंदर अपग्रेड करके अब आपके लिए सैमसंग लेकर आया सैमसंग M52। मैं आपको जल्दी से ना इसके पहले बॉक्स कंटेंट दिखाता हूं और उसके बाद बताता हूं कि इसके अंदर आपको क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक टाइप सी केबल अवेलेबल है और यहाँ पर आपको एक 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर, इसके बाद में थोड़ा सा बाद में करते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और वो भी बेस्ट ऑफर के साथ में, तो आप GMD मोबाइल स्टोर को चेकआउट जरूर करना। ये हरियाणा के टॉप स्मार्टफोन डीलर है और यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट ऑफर अवेलेबल है इस स्मार्टफोन के ऊपर, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इन्हें चेकआउट जरूर करना। गाइस, अब बात कर लेते हैं इस प्यारे से फोन के ना डिजाइन के बारे में। आप इसे देखो, इसे ना एक रेक्टेंगुलर सी शेप दी गई है बिल्कुल, और हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है, काफी लाइट और काफी स्लिम फील होता है। एक चीज यहाँ पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर सैमसंग ने 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ में इतनी स्लिमनेस को कैसे मैनेज किया, आई डोंट नो, बट डिजाइन के साथ में ना काफी अच्छा काम किया है। अब बैक साइड में देखो, यहाँ पर आपको एक एलिगेंट सा ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी लुक दे रहा है इस फोन को। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक मिल जाती है। फ्रंट साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी थिन और सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है और काफी ब्यूटीफुल है। बैटरी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको ना 5000 mAh की बहुत ही अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि कम से कम एक से डेढ़ दिन बड़े आराम से आपका निकाल सकती है। लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि यहाँ पर सैमसंग ने सिर्फ 15 वोल्ट का चार्जर आपके लिए दिया है। गाइस, इस प्राइस रेंज के लिए कम से कम 25-30 वोल्ट का चार्जर आपको देना चाहिए था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो अगर आप 25 वोल्ट का चार्जर लेना चाहते हैं तो अलग से आप उसे परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। गाइस, ये ना इसकी मेन हाईलाइट है स्मार्टफोन की, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही कमाल की डिस्प्ले दी है सैमसंग ने। यहां पर आपको 6.7 इंच की एक बड़ी सी सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल दी गई है, जो कि HDR10+ को सपोर्ट करती है। और गाइस, आप अच्छे से जानते हो कि जो सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल होता है वो काफी ज्यादा पंची कलर्स और बूस्टेड कलर्स प्रोड्यूस करते हैं और काफी ज्यादा मजा आता है इसके डिस्प्ले को यूज करने में। और एक खास बात यह है कि आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिससे जो इसकी डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा फास्ट एंड स्मूथ बन जाती है। लेकिन छोटी सी दिक्कत यहां पर ये है कि आपको हल्के फुल्के जिटर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ज्यादा पैनिक मत करना। गैस, एक और मेन चीज, मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस वो कैसा रहेगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। बिकॉज इसके ना तीन फैक्टर्स हैं, एक तो इसके बिल्कुल ही थिन बेजल्स और ऊपर से इसके 6.7 इंच की एक बड़ी सी डिस्प्ले एंड साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, तो ये तीनों फैक्टर्स ना आपके लिए जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी ना डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर्स मिलते हैं। ऑल्दो इनकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन आपको स्टीरियो स्पीकर्स इस प्राइस के लिए मिलने चाहिए थे। गाइस, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 778 चिपसेट देखने को मिल जाता है और मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा चिपसेट है, जो इस स्मार्टफोन को काफी कमाल की परफॉर्मेंस ला कर देता है। इसके अंदर आप हाई सेटिंग्स पर भी गेम्स खेल सकते हो, लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हो तो शायद ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम सेटिंग्स पर काफी देर के लिए इसके अंदर गेम्स खेलते हो ना, तो ये फोन थ्रोटल कर सकता है और वहां पर आपको फ्रेम ड्रॉप्स अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। एवरेज गेमर के लिए ये स्मार्टफोन काफी डिसेंट परफॉर्मेंस ला कर देगा। बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। गाइस, यहां पर आपको कंप्लीट UI 3.1 देखने को मिल जाती है, जो कि Android 11 पर बेस्ड है। आपको एक बिल्कुल ही क्लीन UI एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक एप्स जैसे कि जो इस स्मार्टफोन के अंदर क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता, तो Samsung से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये भी अननेसेसरी एप्स जो है ना, इनको भी रिमूव आपके लिए जल्दी से जल्दी कर दे, ताकि आपको एक बिल्कुल ही क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिल सके। आपके लिए यहां पर ना नोक सिक्योरिटी और आपके लिए कर्नल लेवल की जो सिक्योरिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफी अच्छा स्मार्टफोन आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन के हार्ट के बारे में, जो इसका कैमरा। गाइस, यहां पर ना आपको एक ब्यूटीफुल सा डिसेंट सा आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मैं आपको इसके कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाता हूं, ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके कि आपको किस तरीके की फोटोज देखने को यहां पर मिलती हैं। तो अब यहां पर देख सकते हो कि काफी अच्छी फोटो से कैमरा निकाल कर देता है। यहां पर डायनामिक रेंज को भी ये काफी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। यहां पर आप देखो, सैचुरेशन लेवल को बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया गया है और व्हाइट बैलेंस भी बिल्कुल ओके है। पोर्ट्रेट शॉट्स की मैं बात करूं तो आप देख ही सकते हो कि एज डिटेक्शन काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल जाती है। फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी फोटोज पर भी एक नजर डालो, यहां पर आप देख सकते हो कि सेल्फीज के अंदर भी काफी अच्छे से डिटेल्स को कैप्चर करते हैं।
सैचुरेशन लेवल भी और कलर एक्यूरेसी बिल्कुल ओके यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ना आपके लिए सिर्फ नाम के 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको 11 5G बैंड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंजूसी सैमसंग ने आपके लिए नहीं की, यहाँ पर साथ में आपको वाईफाई कॉलिंग, वाइडबैंड L1 इनके भी सपोर्ट आपके लिए मिल जाते हैं। तो गाइस आप ये बोल सकते हो कि सैमसंग आपके लिए ना बहुत ही अच्छा पैकेज लेकर आया जिसके अंदर कुछ कमियां हैं जो कि इंप्रूव करी जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं बड़े आराम से इस फोन को आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेक्लोन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम ऑनेस्टी में बिलीव रखते हैं और आपके लिए क्वालिटी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।